रोज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। औरंगाबाद में बालू माफियों के हौसले इन दिनों काफी बुलंद है। आए दिन पुलिस पर बालू माफियों की ओर से हमला किया जा रहा है। ट्रैक्टर तो जरूर पकड़े जा रहे हैं, पर बालू माफिया पकड़ में नहीं आ रहे हैं। औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के बड़ेम ओपी क्षेत्र में मंगलवार की देर रात बालू की अवैध कारोबार में लगे ट्रैक्टर ने होमगार्ड के एक जवान को रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जवान को रौंदने के बाद चालक बालू समेत वाहन को लेकर भाग निकला। मृत होमगार्ड की जवान की पहचान मदनपुर थाना के चिलमी टोले कोयरी बिघा निवासी रामराज महतो के रूप में की गई। इस मामले में औरंगाबाद के एसडीपीओ मोहम्मद अमानुल्लाह ने बताया कि बीती रात बड़ेम ओपी के पुलिस अपर निरीक्षक राजेश कुमार को कनकेर रोड में एक स्वराज ट्रैक्टर पर लदा अवैध बालू लेकर जाने की सूचना मिली थी। गश्ती पदाधिकारी ने अपने बल के साथ बड़ेम ओपी के पदाधिकारी राजेश कुमार के बताए अनुसार ट्रैक्टर को घेरने की कोशिश की। इसी क्रम में एक बालू लदा स्वराज ट्रैक्टर होमगार्ड के जवान रामराज महतो को जानबूझकर रौंदता हुआ भाग निकला। होमगार्ड के जवान के साथ रहे पुलिस बल उन्हें एनटीपीसी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसडीपीओ ने बताया कि भागे हुए ट्रैक्टर और घटना में शामिल सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए सोन दियारा क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है। मृत जवान को शहर के पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। औरंगाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद जवान के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। मैं उनका लड़का से मतलब। हाँ, कैसे क्या हुआ? उनका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। कहाँ पे? खैरा ड्यूटी में थे, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना हुआ। आपका नाम? शिवनाथ माथो। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।